युद्ध के सातवें दिन आज रूस की सेना ने यूक्रेन के दो बड़े शहरों पर धावा बोला। यूक्रेन की राजधानी के अलावा दूसरे सबसे बड़े शहर खार्कीव पर कब्जे के लिए पुतिन की सेना ने पूरा जोर लगा दिया। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के लोगों को कीव खाली करने या जान से हाथ धोने की चेतावनी दे डाली, जिसके बाद कीव छोड़कर बाहर निकलने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई। रूस के इस फरमान के बाद कीव के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति देखी गई। खबर आ रही है कि दूसरे सबसे बड़े शहर खार्कीव पर रूस की मिलिट्री ने करीब करीब कब्जा कर लिया है। यहां पर सबसे पहले एयर स्ट्राइक की गई, रॉकेट और मोर्टार दागे गए और मिलिट्री ने ग्राउंड फाइट में पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर अस्पतालों तक पर कब्जा कर लिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बार फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी देकर पूरी दुनिया को सहमा दिया है। सर्गेई ने सीधी न्यूक्लियर अटैक की धमकी देते हुए कहा कि यह तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बमों से लड़ा जाएगा और पूर्ण रूप से विनाशकारी होगा। माना जा रहा है कि रूस ने बिना नाम लिए नाटो देशों को धमकी दी है जो युद्ध में लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसे हथियार और आर्थिक सहायता मुहैया करा रहे हैं। मॉस्को ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन की ओर से शांति वार्ता में देरी की जा रही है और रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन के एक बड़े शहर खेरसान पर रूस की सेना का कब्जा हो चुका है। रूसी मीडिया के मुताबिक आज डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रेस ब्रीफिंग में स्वीकार किया कि उसने यूक्रेन की राजधानी कीव में टीवी टावर को ध्वस्त किया है, तो साथ में खेरसान पर कब्जा किया है जो सामरिक तौर पर अहम लोकेशन है और रूसी सेना की बड़ी कामयाबी है। ये शहर काला सागर के पास है और पोर्ट सिटी होने से इसका रणनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंकोव ने दावा किया है कि खेरसान में अब सब कुछ सामान्य चल रहा है, खाने पीने समेत जरूरी सामानों की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। खार्कीव की सरकार अब शहर में सुरक्षा व्यवस्था काबिज करने में जुटी है, हालांकि यूक्रेन सरकार ने रूस के इस दावे की अभी पुष्टि नहीं की है। यूक्रेन में एक हफ्ते के अंदर युद्ध की विभीषिका दिखने लगी है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले किए हैं जिसने पूरे देश की रौनक छीन ली है। चारों ओर टूटी इमारतें, खाली पड़ी दुकानें, घर छोड़कर जाते लोग नजर आ रहे हैं। कीव के अलावा यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्कीव में रूसी मिसाइलों से बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और देश की सेना अब भी मलबे से शवों को निकालने में जुटी। यूक्रेन के बड़े शहरों पर आज लगातार रूसी फाइटर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते नजर आए। कहीं कहीं पर दर्जनों हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते नजर आ रहे हैं और सिविलियन इलाके में भी भारी बमबारी कर रहे हैं। कई जगहों पर रूस की सेना से यूक्रेन की सेना टक्कर ले रही है और कई जगहों पर पब्लिक हमला कर रही है, जिससे जगह जगह सड़कों पर रूसी यूक्रेनी सेना के खाक हो चुके तोप और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। यूक्रेन की सेना अपने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दे रही है। खबर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की हत्या के लिए चेचन्या से जिस एलीट किलिंग स्क्वाड को भेजा था उसे यूक्रेनी सेना ने ढेर कर दिया। टेलीविजन संबोधन के दौरान कीव के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव ने दावा किया कि इस यूनिट को चेचन्या के नेता राजमान कादिरोव ने भेजा था। यूक्रेन ने दावा किया है कि चेचन लड़ाकों को दो ग्रुपों में बांटकर भेजा गया था, जिसको लेकर लगातार इंटेलिजेंस इनपुट मिलता रहा। चेचन लड़ाकों ने एक ग्रुप को यूक्रेन की सेना ने होस्तोमेल में घेर लिया और सभी को ढेर कर दिया, जबकि दूसरे ग्रुप ने यूक्रेन की सेना के आगे सरेंडर कर दिया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बाद लगे प्रतिबंधों ने रूस में अफरा तफरी मचा दी है। एक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि 68% रूस के लोग यूक्रेन पर हमले के पक्ष में हैं, सिर्फ 26% इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मॉस्को के हालात बदलते जा रहे हैं, लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। क्रेमलिन से जारी एक आदेश में 18 से 27 साल के सभी युवाओं को खुद को रजिस्टर कराना अनिवार्य बताया गया है, लेकिन लोग पुतिन के क्रेजी वार के लिए अपने बच्चों को बलिदान देने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर रूबल का मूल्य 40% तक गिर चुका है और रूस की राजधानी मॉस्को में ATM से पैसे निकालने से लेकर करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए भारी भीड़ जुटने लगी। रूस में एक हफ्ते के अंदर युद्ध का तीखा विरोध होने लगा है, जिसको बेरहमी से कुचले जाने के आरोप भी लग रहे हैं। रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है और इसका पहला बड़ा असर रूस की महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन स्कीम नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर पड़ा है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 से जुड़े स्टाफ की जबरन छुट्टी कर दी गई है और बहुत जल्द ये कंपनी खुद को दिवालिया घोषित करने का आवेदन कर सकती है। स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्री ने कंपनी से करीब 140 अधिकारियों कर्मचारियों को निकाल ले जाने की घोषणा की है और ये फैसला जर्मनी की ओर से इस कंपनी का सर्टिफिकेशन अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज करने के बाद लिया गया है। पश्चिमी देशों ने रूस पर इसके अलावा भी कई सैंक्शंस लगाए हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था संकट में घिरती नजर आ रही है। रूस
रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $5 प्रति बैरल का इजाफा हुआ और ये ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इस जोरदार तेजी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जिसका भारत समेत दूसरे देशों पर बुरा असर पड़ना तय माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच जंग और आगे बढ़ती है तो कच्चे तेल का दाम और आगे बढ़ जाएगा, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 से 15 रुपए प्रति लीटर तक महंगी हो सकती हैं। इससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा जारी है। इस ऑपरेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते सामर्थ्य की निशानी बताया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने 31 उड़ानों से 6,800 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाने की योजना बनाई है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 21 विमान और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 4 विमान भारतीय नागरिकों को लेकर लौटेंगे। पोलैंड के जेजाव से भारतीयों को वापस लाने के लिए 4 फ्लाइट होंगी। स्लोवाकिया के कोसीसे से 1 फ्लाइट होगी। 8 मार्च तक कुल 38 उड़ानों से इवैक्यूएशन पूरा किया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।